रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान में मिलने वाले फुल टॉक टाइम बेनिफिट को खत्म कर दिया है। जियो को शुरुआत से ही कम कीमत में ज्यादा बेनिफिट देने वाली कंपनी के तौर पर जाना जाता रहा। ऐसे में फुल टॉक टाइम बेनिफिट को खत्म किया जाना सब्सक्राइबर्स के लिए चौंकाने वाली खबर है। हाल ही में जियो ने घोषणा की थी कि अब वो दूसरे नेटवर्क पर किए जाने वाले कॉल के बदले सब्सक्राइबर्स से 6 पैसे प्रति मिनट का इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज लेगा। इसके बाद से ही जियो सब्सक्राइबर्स के साथ ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी हलचल देखी जा रही है। जियो के पास 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच के टॉक टाइम प्लान मौजूद हैं। टेलीकॉम टॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लान पहले फुल टॉक टाइम के साथ आते थे, लेकिन अब इनमें फुल टॉक टाइम मिलना बंद हो गया है। अब जियो के 10 रुपए वाले टॉक टाइम रिचार्ज में यूजर्स को 7.47 रुपए का टॉक टाइम ऑफर किया जा रहा है। इसी प्रकार 20 रुपए में 14.95 रुपए, 50 रुपए में 39.37 रुपए, 100 रुपए में 81.75 रुपए, 500 रुपए में 420.73 रुपए और 1000 रुपए वाले प्लान में 844.46 रुपए का टॉक टाइम दिया जा रहा है। कुछ लोग इसे जियो द्वारा लगाए गए IUC के असर मान रहे हैं। कंपनी द्वारा फुल टॉक टाइम बेनिफिट को खत्म किए जाने से जियो सब्सक्राइबर्स को झटका लगा है। जियो शुरुआत से अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो में कई सारे प्लान ऑफर करता रहा है। इनमें उन प्लान्स की भी कमी नहीं थी जिनमें सब्सक्राइबर्स को रिचार्ज का फुल टॉक टाइम ऑफर किया जाता था। फुल टॉक टाइम वाले प्रीपेड प्लान उन यूजर्स को काफी पसंद थे जिन्हें ज्यादा वॉइस कॉल की जरूरत पड़ती थी। इन प्रीपेड टॉक टाइम प्लान्स में किसी प्रकार का डेटा ऑफर नहीं किया जाता था। जियो के प्लान्स में मजेदार ये है कि अब अलग अलग डेली डेटा लिमिट वाले पॉपुलर डेटा प्लान IUC टॉक टाइम वाउचर के साथ आ रहे हैं। इस यूजर्स को प्रीपेड डेटा रिचार्ज के साथ ही IUC रिचार्ज के कई ऑप्शंस मिल गए हैं। फुल टॉक टाइम बेनिफिट को खत्म किए जाने की वजह जियो और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच चल रहे टैरिफ वॉर को माना जा सकता है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एयरटेल ने जियो पर आरोप लगाए कि उसने अपने रिंग टाइम को घटाकर 25 सेकंड कर दिया है। इस कारण जियो सब्सक्राइबर्स द्वारा दूसरे नेटवर्क पर किए जाने वाले कॉल्स अक्सर मिस हो जाते थे। इसके बदले जियो के नेटवर्क पर कॉल बैक आने की संख्या बढ़ गई थी। जियो पर दूसरे नेटवर्क ऑपरेटर्स द्वारा कॉल आने की स्थिति में जियो को उस ऑपरेटर से IUC का फायदा होता था। इसके बाद एयरटेल ने भी अपने रिंग टाइम को 25 सेकंड करने का फैसला किया। इसके बाद जियो को IUC इंट्रोड्यूस करना पड़ा। कंपनी को इससे दूसरे नेटवर्क पर किए जाने वाली कॉल के लिए खुद पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि वो अब इसे सब्सक्राइबर से वसूल रही है। IUC चार्ज को लेकर कहा जा रहा है कि ट्राई इसे इस साल के अंत तक खत्म कर देगा।